तो गाइस मैं कल जा रहा हूँ भुवनेश्वर, इसीलिए गाड़ी को पूरा अच्छे से सर्विसिंग कर रहा हूँ। पूरा धुला के 250 लेगा, पूरा अच्छे से धुला के मैं उसको लेके जाऊँगा। तो अभी मेरा रानी रेडी हो रही है, तो रानी को रेडी कर देता हूँ कल के लिए। और कल किस लिए भुवनेश्वर जा रहा हूँ कल का ब्लॉग में आप लोग देख लेना, कल मैं किस लिए जा रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, तो आप लोग कैसे हैं आज? तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं बहुत दिन के बाद आप लोग के साथ मिल रहा हूँ। शायद 1 मंथ के आसपास मेरा लास्ट वीडियो अपडेट था, उसके बाद वीडियो आया नहीं है। तो आज से ब्लॉगिंग शुरू होगा, क्योंकि ये नया नया चीज़ सब आ रहा है, फेस्टिवल भी आ रहा है, तो बहुत सारा चीज़ होने वाला है। और उसके साथ ही टाइम हो रहा है 5:50, तो मैं भाई और मम्मी हम तीनों निकल के जा रहे हैं भुवनेश्वर, क्योंकि हम लोग का भुवनेश्वर में एक जगह था, उधर पूजा होने के लिए आज होने वाला है। तो अभी हम सोच अभी निकल रहे हैं, वही भुवनेश्वर पहुँचते हो ही जाएगा, पकड़ लीजिए 8:30, आराम से 8:30 या 9 बजे पहुँच ही जाएंगे। तो अभी हम लोग निकलते हैं, तो भाई गाड़ी में है, भाई गाड़ी चला के जाएगा कटक के बाद मैं चलाऊँगा, कंटिन्यू आना जाना मेरा रहेगा। शायद जब मैं चलाऊंगा तब मैं ब्लॉग वीडियो नहीं बना पाऊंगा, बट वहाँ पहुँच के आप लोगों को डायरेक्ट मिलता हूँ। उससे पहले जो लोग नए आए हैं, तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और ज़रूर मैं कमेंट में ये लिखना कि आप लोग मुझे कितना मिस किए, कितना मिस किए। तो ये मेरा नया लुक है, नया हेयर स्टाइल है, थोड़ा सा हेयर स्टाइल बिगड़ गया है, बट नया हेयर स्टाइल है। तो निकल लेते हैं, उसके साथ यार टूट गया था मेरा घड़ी का, उसका भी अभी ठीक करेंगे। उसके साथ ही मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब है, मेरा गला बैठ गया, आप लोग को पता चल रहा होगा। तो निकलते हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोग को रास्ते में बात कर करके निकलूँगा, जो भी XYZ जो भी है, चलो निकलते हैं। तो भाई इधर बैठा है ड्राइविंग सीट में, है। देखो देखो क्या हो रहा है, देखो भाई जो इधर बैठा है, देखो देखिए अपलोड है जी फेसबुक, देखो देखो यूट्यूब, देखो 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 लाइसेंस नहीं किया है, गाड़ी ड्राइविंग में बैठ गया है बिना लाइसेंस का बच्चा। और मम्मी अभी तक आई नहीं है, क्या करें ये लेडीज लोग, बिना इतना गुस्सा चढ़ा देते हैं, इतना टाइम लगाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं आने में, इतना टाइम बहुत टाइम लगा देते हैं। अभी हम लोग निकलते हैं, 6 बज गया, तो निकलने का वक्त हो गया, तो हम लोग अभी निकलेंगे। तो चले फ्रेंड्स निकलते हैं। तो भाई गाड़ी ड्राइविंग कर रहा है, मम्मी पीछे, बस हम लोग आ गए। तो हम लोग अभी मौज करके जाएंगे, मौज पूरा मौज करके जाएंगे अभी। Thank you.
सॉरी 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 गाइस। तो फ्रेंड्स अभी मैं कुआ के आगे पहुंच चुका हूँ, पर भाई और मम्मी आगे चले गए, मुझे चल चल के जाना पड़ेगा। ए भाई मुझे छोड़ कर चले गए, कमीने लोग हैं। और मेरा सॉरी मेरा नहीं, एक कुत्ता का मर्डर हो गया है, तो कुत्ता मर गया है, ट्रक चढ़ा दिया है, मार मार के चला गया है। साले साले को साले को मेरा गला बैठ गया, इसलिए अच्छे से हिंदी भी नहीं बोल पा रहा हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस अभी हम लोग कुआख्या में हैं और उसके पास, तो वहाँ से टाउन से मेरा। तो फ्रेंड्स गाइस अभी हम लोग कुआख्या आके पहुँच गए हैं, जिसे आप लोग देख चुके हैं, पीछे मैं आपको दिखा चुका हूँ। और साथ ही साथ मेरा कौका आ रहे हैं और कोई दो ठो ब्राह्मण भी आ रहे हैं, दो तीन जन आ रहे हैं, वो लोग अलग गाड़ी में, हम लोग अपना गाड़ी में। वैसा सीन है, बात करने से सब का अच्छे से रह भी नहीं रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ये अलग टाइप का लग रहा है। तो फ्रेंड्स और थोड़े के बाद और समथिंग यहाँ से निकल जाए, 7 o'clock ही हो जाएगा। भुवनेश्वर पहुँचने से 10 बज जाएगा, लगभग 9-10 बजे भुवनेश्वर। और क्या, तो फ्रेंड्स रास्ते में बहुत सारा बात भी करना है, आप लोगों से बात कर करके जाएंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा और ब्लॉग भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं, कुआखिया से निकल लिए, ठीक 7:10 में निकले हैं और वहाँ आगे कौका जा रहे हैं, हुंडई का कौन सा मॉडल है पता नहीं, ब्लू वाला है, नेवी ब्लू। तो भाई अभी गाड़ी चला रहा है, तो मैं कटक से मैं चलाऊंगा, कटक नहीं मतलब छतिया से मैं ही चलाऊंगा, बोलने से छतिया से पूरा मैं ही चलाऊंगा। तो हम लोग जा रहे हैं अभी रास्ते में, अभी जारा का हो गए, जारा का भी हो गए, फिर दूसरा स्टॉपेज, फिर दूसरा स्टॉपेज, फिर उसके बाद छतिया, छतिया से मैं चलाऊंगा। तो गाइस ऐसा ही हम लोग का रोड ट्रिप चल रहा है, जा रहे हैं भुवनेश्वर, पापा वहाँ भुवनेश्वर से पहले से हैं, फ्राइडे से, तो आज पूजा वूजा होगा, तो आप लोगों को डायरेक्ट वहाँ जाकर मिलता हूँ, नहीं वहाँ जाकर नहीं, पहले छतिया में हम लोग क्या क्या खाएंगे वो जाकर वहाँ डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए और ढेर सारा प्यार दिखाइए। फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं छतिया खाने के लिए, तो यहाँ से खा के डायरेक्ट जाएंगे कटक, सॉरी कटक, कटक से मैं ही चलाऊँगा, भाई तो बोल रहे हैं यहाँ से वो कटक चलाएगा, तो चलाने देते हैं। तो चलते हैं अभी अंदर खाने के लिए छतिया में, तो खा के फिर निकलेंगे हम लोग, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो खा के मैं निकलता हूँ। फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल गए छतिया से, अभी हम लोग जा रहे हैं जगतपुर होने के लिए जा रहे हैं, जगतपुर से फिर कटक होंगे, कटक से फिर मैं चलाऊँगा और आप लोग से बात नहीं कर पाऊँगा, डायरेक्ट पोर्ट में पहुँच कर बात करता हूँ। तो आप तब तक के लिए रोड ट्रिप एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं जगतपुर क्रॉस करके कटक जा रहे हैं, ये ब्रिज खत्म होगा तो मेरा ड्राइविंग शुरू। इसके बाद हम लोग कटक एंट्री मार रहे हैं, कटक एंट्री हो चुका है, दिस इज महानदी ना, महानदी नहीं है। आज का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा मौसम दिया है आज, पूरा मस्त लग रहा है मौसम। तो फ्रेंड्स मैं अभी श्री यूनिवर्सिटी के पास हूँ, मैं घूमने से एंट्री कर चुका हूँ। अरे बाबा रे, ये पूरा सॉरी सॉरी गाइस सॉरी। तो अभी वो पीछे कौका लोग आ रहे हैं, हम लोग जल्दी आ गए, बहुत जल्दी।
का कोई बनना नहीं पक्का। तो हम लोग आने का तो हम लोग जाएंगे। फाइनली फ्रेंड्स अभी हम लोग आके पहुंच गए, जस्ट आके पहुंचे हैं 9 o'clock। 9 से 10 बजे बोला था, 9 ही बजे पहुंच गया। और उधर पापा हैं, बड़े पापा आएंगे, बड़े मम्मी आएंगे, वहाँ पाल वाला डाल के अभी पूजा वूजा किया जाएगा थोड़ी देर में। मुझे तो ये है हम लोग का जगह जो पूजा होगा। गाइस पूजा खत्म, नारियल को भी जला रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा कुछ होगा पूजा, पूजा को थोड़ा सा कुछ होगा, खाना दिया जाएगा शायद। खाना दिया गया, गोल करके रखेंगे सर्कल बना के। आप सर्कल आइए, भावना आदर्श शास्त्र कोई सिद्धि भगवती भावना।
हेलो फ्रेंड्स, पूजा खत्म हो गया, हम लोग का पूरा पूजा खत्म। और अभी टाइम हो रहा है 2:30, तो ये है हम लोग का जगह। मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, मैं अच्छे से दिखा नहीं पाया था, लास्ट में अच्छे से दिखा देता हूँ। और घर का फाउंडेशन शुरू भी हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से, तो ये है हम लोग का घर का फाउंडेशन, यहाँ से शुरू होगा। ये नीलाचल का भुवनेश्वर पटिया लालचंद ज्वेलरी का पीछे पूरा 2 गुंड का जगह है ये वाला हम लोग का। तो जगह पूजा खत्म, और उसके साथ अभी हम लोग निकल लेंगे। 2:30 हो गया, मतलब 3 बजे यहाँ से निकल लेंगे हम लोग। सारा सामान लेकर अभी गाड़ी की डिक्की के अंदर रहेगा और निकलते हैं। तो आप लोग को मैं जहाँ पहुँचूँगा उधर जाकर आप लोग को डायरेक्ट मिलता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स और गाइस। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। अभी हम लोग त्रिशूला आए हैं, त्रिशूला आकर इस होटल में खाएंगे। होटल का नाम क्या है? होटल का नाम नहीं पता चल रहा है, क्या लिखा गया है होटल का नाम, जो भी है। चलते हैं अभी अंदर खाने के लिए, खा के आप लोग के साथ मिलता हूँ, ठीक है। खा के आप लोग के साथ मिलता हूँ, ठीक है। यहाँ सब कोई आ गए हैं और मैं भी इधर आ गया। तो चलिए चलते हैं अभी अंदर खाने के लिए। फाइनली गाइस, मैं अभी आकर जस्ट घर आके पहुँचा हूँ, जस्ट नहीं, बहुत पहले से आकर पहुँच गया था 6 बजे। और उसके साथ ही आकर मैं फुली इतना टायर्ड हो गया था, मैं सो गया था और लिटरली वॉच भी नहीं है। तो लगभग मुझे लग रहा है अभी 8 बज रहा होगा, लगभग 8 या 8:30 हो चुका होगा। अभी जस्ट उठ के जस्ट गया था बाहर, इसे थोड़ा माइंड फ्रेश करके आ गया। फिर याद आया कि भाई मुझे ब्लॉग भी एंड करना है, तो अभी मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो गाइस 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ढेर सारा प्यार देना मत भूलना, और दुआ करना कि मेरा तबीयत जितना जल्दी हो गया रिकवरी हो जाए, और इसके साथ नया नया ब्लॉगिंग मेरा शुरू कर दूँ। तो बहुत दिन हो चुका है, बहुत मंथ भी हो चुका है, बहुत वीक भी हो चुका है कि मैं अपलोड नहीं किया हूँ, आप लोग से मिला ही नहीं था। तो फाइनल मैं मिलूँगा, हमेशा मिलूँगा और हर वक्त मिलूँगा, और आपके साथ हमेशा मैं टच में रहूँगा आज से। तो आज का ब्लॉग था मेरा भुवनेश्वर का जाने का प्रोग्राम, वहाँ हम लोग का जगह का पूजा, उसका ऊपर टाइटल था। उसके साथ दूसरा टाइटल बहुत जल्दी आएगा, कमिंग सून। कौन सा एक तो आ रहा है, एक तो फेस्टिवल है हिंदू का, तो मैं वो वाला भी डालूंगा। मैं अपना उस दिन पूरा दोस्तों के साथ एंजॉय करूंगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ फिस्ट करेंगे, कहाँ घूमेंगे, सब कुछ होगा। तो आप लोग एंजॉय करना उस दिन का भी, और आप लोग के लिए बहुत सारा खुशखबरी है। जैसे जैसे नया नया टाइटल मिलता जाएगा, वैसे वैसे मैं आपको नया नया ब्लॉग देते जाऊंगा और उसमें नया नया बात भी बोलूंगा। उसके साथ आपके लिए जो खुशखबरी है वो सब चीज़ आपके साथ तैयार करूंगा मैं। तो आप लोग को मैं कल मिलता हूँ, टिल देन बाय।